an IOC member, a proud Indian, and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport. तो भाई विराट कोहली की वजह से क्रिकेट ओलंपिक्स में आ गई है, सबको पता है ये बात. विराट is the third most followed athlete in the world on social media with 340 million followers. That's more than LeBron James, Tom Brady and Tiger Woods combined. अबू विराट कोहली की वजह से मैं कहता हूँ वो क्रिकेट का फादर है. आज इस मुकाम के ऊपर के ओलंपिक्स जहाँ पूरी दुनिया कम्पीट करती है आके, वहां एक गेम को ऐड किया गया और ये बोला जा रहा है कि आईसीसी की वजह से हम गेम को ऐड नहीं कर रहे, हम विराट कोहली की पॉपुलैरिटी की वजह से इस गेम को ऐड कर रहे हैं. 20 फॉर्मेट होगा और एक बार फिर पाकिस्तान बनाम इंडिया मैच होगा, यानी हमें एक बार फिर हारने का मौका मिलेगा. भाई अब तो भाई पहले तो एशिया की दुनिया फैन थी ना, तो अब तो अमेरिका की लड़कियां भी उठ के कहे करेंगी विराट कोहली क्या हाल है क्या. जय श्री राम दोस्तों, ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को किया शामिल, 128 सालों का सूखा खत्म किया है. जी हाँ दोस्तों, और ये एक ही बंदे की वजह से है, वन एंड ओनली किंग मेकर विराट कोहली, सिर्फ उसी के वजह से क्रिकेट को शामिल किया गया ओलंपिक में. आज सभी को पता चल गया होगा कि विराट कोहली का कद क्रिकेट खेल में कितना बड़ा है. इस बात का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है दोस्तों, जब ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर वोटिंग की जा रही थी तो दोस्तों उसमें काफी चर्चा हुई. यहाँ तक कि एक अधिकारी ने भी विराट कोहली का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया विराट कोहली का सोशल मीडिया पर दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट है. विराट कोहली इस टाइम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी फॉर्म में है, पूरी दुनिया मानती थी विराट कोहली और कुछ पाकिस्तानी ऐसा लगता कि विराट कोहली कुछ नहीं है पाकिस्तानियों के सामने. आज उनकी भी नाक नीचे हो गई होगी जब ये खबर सुनी होगी ओलंपिक गेम्स में सिर्फ कोहली के वजह से क्रिकेट को शामिल किया गया है ओलंपिक में. ये है पावर विराट कोहली की, आज पूरी दुनिया में उसे फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं. टाइगर वुड्स हो गए, टॉम ब्रैडी हो गए, कहते हैं तीनों को मिला भी लो तब भी वो विराट कोहली से उनके ऊपर रीच नहीं है. 2028 के लिए विराट कोहली के बलबूते पे रख के फैक्टर आउट करके कि जी विराट कोहली के नाम को इस्तेमाल करके, उसकी पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करके यूएस के अंदर क्रिकेट जो इंट्रोड्यूस हो गई है एमएलसी के नाम पे और अगले साल जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी वजह, उसकी वो पॉपुलैरिटी वजह बनी. मजे की बात है कि 2028 में विराट कोहली The third most followed athlete. The third most followed. Messi के बाद, Ronaldo के बाद, 128 साल बाद possible हो रहा है सवेरा. बहुत बड़ा ये एक honor की बात है. देखिए ना, खत्म हो गई वो बात, वो जो कहते थे ना कि जी ये फला तो वो फला. विराट बहुत उन सारी चीजों से आगे निकल गया और आज उस चीज के ऊपर सारी जिंदगी के लिए मोहर लग गई. बहस ही खत्म. ऊपर वाला जिसको इज्जत दे अली, ऊपर वाला जिसको इज्जत दे. और मजे की बात है कि हर कोई क्रेडिट लेने कूद जाएगा, मेरा वजह, मेरी वजह, मेरी वजह. भाई ये सिर्फ उस लड़के की वजह है, उसने जो मेहनत डाली ना. भाई इंडिया में और भी तो लोग हैं, और भी तो उस विराट कोहली के साथ खेले, लेकिन विराट कोहली का जो प्रोसेस था ना, उसने सेट अपार्ट किया अपने आप को और सेट अपार्ट करके आज वो इस मकाम पे खड़ा हुआ है कि जहां उसका पोस्टर, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है ओलंपिक के अंदर. विराट कोहली के बारे में बात की जाए, विराट कोहली की आपको पता है फैन फॉलोइंग इस टाइम 340 मिलियन से प्लस जा चुकी है. ये इंडिया के वाहिद यानी कि एथलीट मैं कहूंगा कि जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग है रोनाल्डो के बाद और मेसी के बाद. क्या कहेंगे, वाकई विराट कोहली ये डिजर्व करते हैं और नंबर वन का टैग भी डिजर्व करते हैं. वो सिर्फ ये डिजर्व नहीं करते, वो इससे बेहतरीन डिजर्व भी करते हैं जो अभी तक उन्होंने अचीवमेंट्स किया. अभी हमने और उनकी फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स देखनी है. कहते हैं कि इंसान जितनी एफर्ट्स पुट करता है, जितनी वो मेहनत करता है, उसको उतना फल मिलता है. उसने मेहनत की और वो कर रहा है, उसको उसका फल मिल रहा है. एंड वी शुड लर्न फ्रॉम हिम. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, आज भारत में मुंबई में उसका इजलास हुआ और उन्होंने क्रिकेट को और भी कुछ गेमों को शामिल किया जैसे स्क्वाश वगैरह, लेकिन क्रिकेट को जो है वो अब उन्होंने शामिल कर दिया. और T20 क्रिकेट होगा लॉस एंजलस 2028, LA ओलंपिक्स हो रही है 2028 में, जिसमें अब आपको उस वक्त जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त आपको क्रिकेट भी शामिल होती हुई नजर आएगी. T20 फॉर्मेट होगा और इसमें मेंस क्रिकेट भी होगी, वेमेन क्रिकेट भी होगी, यानी दोनों क्रिकेट शामिल होंगी. T20 फॉर्मेट होगा और एक बार फिर पाकिस्तान बनाम इंडिया मैच होगा, यानी हमें एक बार फिर हारने का मौका मिलेगा. भाई अब तो यही लग रहा है कि हमें एक बार फिर जो है वो हारने का मौका मिलेगा. लेकिन अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो इंडिया लगाने वाला है भाई साहब, और इसमें कामयाबी इंडिया को ही मिलने वाली है भाई. पैसे की भी ताकत है और ओवरऑल भी जो है इंडिया की ताकत है आपको मालूम है. बाकी अगर देखें तो अमेरिका वगैरह ने जो है इसमें
आप देखेंगे इंटरेस्ट शो नहीं करवाई है, ठीक है। ये पोलैंड हो गया या जो इंडोनेशिया हो गया, और अगर देखा जाए तो बाकी ये एक दो मुल्क ही हैं, इंडिया को इतनी टक्कर नहीं दे सकते, ठीक है। और आप ये मान लीजिए कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो जो है वो इंडिया में होने जा रहा है, और अब अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट।